नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गुजरात के पंचमहल जिले में हैं और ये विधानसभा की बात करें तो गोधरा विधानसभा है। गोधरा यूं तो काफ़ी चीज़ों के लिए काफ़ी जो है वो जाना जाता है, लेकिन आपको बता दूं कि इतिहास में इसका बहुत बड़ा नाम है। और एक और इतिहास की बात आपको बता दूं कि मेरे ठीक पीछे ये जो कोर्ट देख रहे हैं, ये पंचमहल का पहला कोर्ट है और सरदार वल्लभ भाई पटेल यहीं पर जो है वो केस लड़ा करते थे। कितना पुराना ये कोर्ट है? ये कोर्ट 120 साल पुराना है और यहाँ हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ, जो हमारे देश के नेता थे, हाँ, वो यहाँ एडवोकेट थे और वकीलात कर रहे थे। अच्छा। और ये चालू कोर्ट, एक मरतबा वो कोर्ट चालू थी और उनमें चालू कोर्ट में उनके ऊपर एक टेलीग्राम आया, हाँ, उन्होंने पढ़ के अपने पॉकेट में डाल दिया। हाँ। फिर बाद में कोर्ट पूरी होते ही, ख़त्म होते ही, हाँ, मजिस्ट्रेट साहब ने पूछा, हाँ, कि भैया टेलीग्राम आ रहा है, और उस टाइम पर टेलीग्राम था, एक सीरियस कोई होता तो तभी आता था। उन्होंने पूछा कि भैया टेलीग्राम आया है, हाँ, किस चीज़ का है? हाँ। तो उन्होंने बताया कि भाई ये टेलीग्राम जब मैं कोर्ट चला रहा था तब आपने देखा, इसमें मेरी मिसेज के मरने का, डेथ का ये टेलीग्राम है। तो उन्होंने बताया कि तुम पहले भी कह सकते, वही कोर्ट है, ये वही कोर्ट है। तो 120 साल पुराना, इसलिए मैं कह रहा था काफ़ी ऐतिहासिक है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश में नहीं पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अभी आपको दिखाया हमने किस तरीके से वहाँ पर जो है 182 मीटर की जो मूर्ति है वहाँ पर जाके दिखाया आसपास के लोगों का क्या माहौल है, लेकिन ये उनका कर्म भूमि कह सकते हैं, जन्मभूमि है ये? नहीं, यहाँ रहते थे, यहाँ भी वो रहते थे भी गोधरा में, हाँ, किराए के मकान में। उनकी जन्मभूमि तो करमसद वहाँ है, अपने ये पोरबंदर करमसद में, और यहाँ वो कर्म भूमि ये है। तो ये बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के कर्म भूमि से क्या दिखाई दे रहा है? इस बार चुनाव है और चुनाव में क्या माहौल है? इस बार चुनाव में माहौल इस तरफ अभी कांग्रेस का है। अच्छा। क्योंकि यहाँ माहौल जो कई सालों से ये लोग जो वादे कर रहे हैं, हाँ, कि हम ये गुजरात या पूरे भारत में विकास करेंगे, विकास कुछ विकास हुआ नहीं। तो महंगाई वो मॉडल बताएंगे, उनका बोलना कुछ है और करना कुछ है। अच्छा। पूरे 70 साल में जो पेट्रोल कांग्रेस 60 रुपये तक ले आई, हाँ, ये 8 साल में ये लोग 100 रुपये तक ले गए, हाँ, और जो एकदम फास्ट चल रहा है, 8 साल में इतनी तरक्की की पेट्रोल भर गया। 70 साल तक कांग्रेस ने कभी अनाज या खाने की चीज़ों पे GST नहीं लगाया, इन्होंने 8 साल में GST खाने की चीज़ों पे लगाया। यानी ये जो 8 सालों में इतनी तरक्की कर ली है कि जो बता रहे कि विकास सिर्फ 3 या 4 उद्योगपतियों का किया, बाकी सबका विनाश किया है। अच्छा। अभी गोधरा में भी बूढ़ कि भाई एक रोटी जब भी सीखी जाती है, हाँ, तो बहुत यानी जल जाती है, हाँ, अब इसको पलटाओ, हाँ, तो इसके पलटाने से रोटी जल गई है। हाँ। आम आदमी को लग रहा है कि भाई रोटी जल गई है, हाँ, इसको पलटाओ, दूसरी तरह लाओ, हाँ, तो हमारा कुछ भला हो। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से कहते हैं कि भाजपा का गढ़ रहा है गुजरात, तो गढ़ में बदलाव हो पाएगा? जिस तरीके से मोदी जी रैली कर रहे हैं, तमाम नेता, बड़े बड़े नेता रैली चल रही है, नहीं अब बदलाव आएगा? हाँ। क्योंकि मोदी जी का नाम अब गया। अच्छा। क्योंकि मोदी जी जो भी भाषण में जाते रहे, झूठ ही बोलते हैं, जो जो वादे आज तक किए उन्होंने कोई वादा पाला नहीं है। हाँ। 15 लाख देने का वादा किया था पहले, वो भी उधार है सबका। हाँ। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का, वो भी वादा पूरा है, वो भी अधूरा है। ये खोखले वादों का सबको पता चल गया है, ये वादे चलने वाले नहीं है। हाँ। अबे उनके सभाओं में, हाँ, हजारों लाखों बसें लाके खड़े करते हैं तो भी कोई जाते नहीं है। अच्छा। उनको उनके सभाओं में जो भी है जगह खाली रहती है, वो हमने देखा है। अच्छा। अभी जहाँ जहाँ बताया वो खाली सीटें रहती है। आपको आते हैं, आप बताइए क्या लग रहा है गुजरात में माहौल? जो सरकार ने 25 साल में दावे किए, वादे किए, मॉडल की बात की, कितना धरातल पर दिखाई दे 27 साल लूट के सत्ता में बैठे हैं। अच्छा। हाँ, और यहाँ बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, GST ला के सबको ख़त्म कर दिया है, नोटबंदी से सबको ख़त्म कर दिया है, और शिक्षण भी महंगा है, और सब पूरा यहाँ चौपट हो गया है। अच्छा, लगता है कि जो जिस तरीके से भाजपा लगातार रैलियाँ कर रही है और हर रैली में कह रहे हैं कि 120 के पार, यानी कि 140 के आसपास आंकड़े जो है भाजपा बता रही है, आपकी बात अगली बार 150 पार बोला था, 90 पर आ गए थे और लूट के आए थे, कुछ होने वाले 140 बता रहे हैं, आपकी बार वो आधे पे आ जाएंगे। अच्छा। 140 का 70। हाँ, चलिए भैया आधे की बात कर रहे हैं, थोड़ा आगे भैया, क्या माहौल आपके हिसाब से दिखाई दे रहा है गुजरात में?
सबके दिन में मंदिर है, हमने सामने पीछे मंदिर ही है। अच्छा, हमारे पीछे भी मंदिर ही है बिल्कुल, लेकिन खाने का नहीं मिलता है। अच्छा, खाने की बात वो करते नहीं, सब मंदिर की बात कर रहे हैं। हाँ। बस वही है, मंदिर मंदिर करते, खाने कोई कुछ देता नहीं है। अच्छा। सब गरीब खाने पे मजदूर है। अच्छा। बस तो मंदिर मंदिर की बात होती है, खाने पे कुछ मिलता नहीं है। बस गरीब कितने गरीब गुजरात में इस बार परिवर्तन होगा या वही पूरा परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। आप बताइए भैया क्या लग रहा है? देखिए, डबल इंजन की सरकार है, सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए है। हाँ। कुछ विकास है नहीं गुजरात में। ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप देखने जाओ तो ऐसी हाँ। कोई बात दिखती नहीं है। हाँ। आम जनता परेशान है। गैस के बोतल देखो जो 410 रुपए थे आज 1100 रुपए के आसपास है। हाँ। बरो ये डबल इंजन की सरकार सिर्फ भ्रष्टाचारी करना मतलब मुनाफी समझती है। हाँ। आम पब्लिक को अगर ऐसा शासन चाहिए तो कांग्रेस जरूरी लाए। हाँ। और कांग्रेस ही आएगी। वो कहते हैं कि भैया बीजेपी के हाथ से अगर गुजरात गई तो गुजरात बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये सोच इनकी गलत है। भाजपा वाले जो ये फालतू की बातें चलाते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। डरपोक डर डालना चाहते हैं ये भाजपा वाले, मोदी सरकार, ताकि ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ की पब्लिक भी समझदार है, गुजरात की बहुत अच्छी तरह समझ सकती है। समझ सकती। चलिए भैया, लगता है परिवर्तन हो पाएगा या फिर एक बार फिर से मोदी सरकार? नहीं, वैसे वो परिवर्तन तो लगभग नहीं हो पाएगा। हाँ। और उसको ज़्यादा सीट भी नहीं मिलेगी। अच्छा। क्योंकि अब क्या है, वो जो पहले वाले इंसान जो समझते नहीं थे ना। हाँ। वो ज़्यादा समझ गए हैं। अच्छा, समझ गए। हाँ, कि भाई हमें अब क्या करना है। अच्छा। जो जनरल लोग है उसको आप जाके देखो। हाँ। तो बताएगा कि भाई आप हमें ये बीजेपी को नहीं देना है। अच्छा। क्योंकि राम के नाम पे बहुत कुछ लिए हम लोग। हाँ। तो राम के नाम ले दिक्कत क्या है? हाँ, अरे नहीं, वो जो वो सही वो राम नाम वाला। हाँ। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं वो राम के नाम कर वो गलत कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, वोट राम के नाम पे ले रहे। हाँ, बस वही ले रहे हैं। और देखो ये मंदिरों में अब्बा जो रुपया उन्होंने खर्च किया क्यों? और जो सामान्य लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं ना, तो बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। हाँ। वो देखो, वो कुछ नहीं देखते। हाँ, चलिए भैया आपके हिसाब से क्या लग रहा है? ये गुजरात का मेन सेंटर है। हाँ। नरेंद्र मोदी साहब ने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की बात किया। अब यही गुजरात विधानसभा के अंदर पश्चिम विस्तार में आप देखिए, गुजरात का फर्स्ट नंबर का ऑटो पार्ट्स का जो है ऑटो कबाड़ी मार्केट है। यहाँ लाखों लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगारी के लिए ढूंढ रहे हैं। यहाँ के गरीब लोगों ने अपने काम के लिए पैसा इकट्ठा करके कुछ दुकानें कुछ मकानें बनाया। यहाँ का पागल रेवेन्यू मिनिस्टर ने आके यहाँ की सारी दुकानें तोड़ डाला। गवर्नमेंट कुछ इसको GIDC जो इसका लाभ मिलना चाहिए वो दे नहीं रहा है। खाली कागज़ के ऊपर भाषण के ऊपर बड़ी बड़ी बातें ही है। यहाँ कुछ विकास नहीं है। यहाँ का जो विकास नहीं हुआ, कुछ भी विकास नहीं है। आप यहाँ 22 सालों में कुछ तो किया होगा, दो चार का। आप खुद जो लोगों ने कुछ पैसा बचा के किया है वो भी पागल मिनिस्टर ने तुरवा दिया है। चलिए, मिनिस्टर है, पागल नहीं बोलते। हाँ हाँ, नहीं वही ऑन रेकर्ड है साहब, उनका वीडियो है कायदे सर। और रातों रात इन्होंने ऐसा फतवा डिक्लेयर किया। हाँ। और दूसरे दिन बुलडोजर लगाया है। चलिए भैया आप बताइए क्या लग रहा है माहौल, इस बार परिवर्तन आपके हिसाब से हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा परिवर्तन, क्योंकि भ्रष्टाचार सिवा और कुछ नहीं है। हाँ। और सबसे तो मोदी जी ने नारा दिया बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार आपकी बार, उनका कमला में ही विकास हुआ है, और कुछ नहीं विकास हुआ है। कमला नहीं बने सभी जगह पे, और कुछ नहीं हुआ है। नारा तो उन्होंने दिया था ना, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार आपकी बार भाजपा सरकार। अरे भ्रष्टाचार उनने ही किया है। हाँ। और किसी ने नहीं किया है। अच्छा। उनको नहीं किया है, तो सभी परिवर्तन सोच रहे हैं। हाँ, भैया आप बताइए क्या सोच रहे हैं? वो परिवर्तन परिवर्तन करता है, परिवर्तन तो होने वाला है, भाजपा जाने वाली है। जाने वाली है। हाँ। परेशान हो गए? परेशान है, बहुत परेशान हो। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे लगता है कि भाई बदलाव? परेशान है, जैसनो बोतल इतना चार साल 450 रुपये में मिलता था वो 1100 रुपये में हो गया। हाँ। महंगाई का मुद्दा है। हाँ, महंगाई इतने गरीब लोग मारे जाते हैं, अदानी अंबानी ये बड़े बड़े इंसान को बड़ा चलता है और छोटे मरते जा रहे हैं। चलिए भैया, चलिए ठीक है, आप बताइए क्या लगता है कि आज जिस तरीके का माहौल गुजरात में दिखाई दे रहा है, तो इस हिसाब से परिवर्तन दिखाई दे रहा है या फिर वही सरकार लगती है कि एक बार आ जाएगी? नहीं, परिवर्तन इस बार होगा, चौकस परिवर्तन होगा। अच्छा। और गुजरात की जनता जो है वो परिवर्तन के मूड के मूड में है। अच्छा। वो इसलिए कि कोविड के अंदर हमने देखा कि जिस तरह से गुजरात सरकार ने काम करना चाहिए वो काम नहीं किया। 3 लाख से ज़्यादा इंसान एक्सपायर्ड हो गए कोविड में, ना ऑक्सीजन मिला, ना रेमडेसिविर मिला, ना बेड मिला, ना हॉस्पिटल में दवाइयाँ मिली। पूरी सरकार जो है कोविड के अंदर
निष्फल हुई है, कुछ भी काम नहीं हुआ। वो तो कहते हैं कि भैया मोदी जी ना होते देश पूरा बिगड़ जाता। नहीं नहीं, वो तो उनके प्रचार के लिए बोलते हैं, हम तो यहाँ पे रहते हैं, हमें पता है। ये अस्पताल के अंदर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, और अस्पताल के अंदर भी लाइनें लगी हुई थी, और श्मशान के आगे भी वो मुर्दे की लाइनें लगी हुई थी। कुछ भी काम कोविड में नहीं कर पाए, इसलिए मोदी जी ने पूरे मंत्रिमंडल उनके सीएम के साथ पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गुजरात में। अच्छा, दो तीन बार बदल रहे हैं बार बार, क्या मतलब, क्या लगता है? ये लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं गुजरात के अंदर। जो गुजरात की जनता को चाहिए कि विकास चाहिए, विकास के नाम इन्होंने विनाश ही किया है।